हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ कॉफ़ी पुडिंग। इसे बनाना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर मेरी रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे और बिल्कुल उसी तरह बनाओगे तो पहली बार में ही एक परफेक्ट कॉफ़ी पुडिंग आपकी बन जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। मेरी इसी तरह की नई रेसिपीज़ की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। एक बाउल में हम लेंगे 2 चम्मच कॉफ़ी, उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो ये हमारा कॉफ़ी कंकॉक्शन रेडी है। अब दूसरी बाउल में हम लेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच पानी। इसे अच्छी तरह से मिला लें। ये स्लरी तैयार है। एक बर्तन में मैंने 2 ग्लास के करीब दूध लिया है। अब हम इसे उबाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। दूध को साथ साथ चलाते भी रहें। हम जैसे जैसे पुडिंग बनाते जाएंगे वैसे वैसे दूध की क्वांटिटी कम होती जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूध आप ज़्यादा लें। जैसे ही दूध को उबाल आ गया था, मैंने यहाँ पर कॉफ़ी कंकॉक्शन डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे हमने जो कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई थी वो। आप जैसे ही स्लरी डालोगे दूध थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लेम को मीडियम रखें और साथ साथ दूध को चलाते रहें। इस मिक्सचर को थिक होने के लिए 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। करीब 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मिक्सचर इतना थिक हो गया है। ऐसा ही थिक मिक्सचर हमें चाहिए पुडिंग बनाने के लिए। आप चाहो तो इसे और पकाकर और ज़्यादा थिक भी कर सकते हो, लेकिन अगर मिक्सचर की थिकनेस इससे कम होगी तो आपकी पुडिंग सेट नहीं होगी। तो इसे बनाने के लिए जल्दबाजी ना करें। जब तक बैटर ऐसा थिक ना हो जाए आप गैस मत बंद कीजिएगा। आपको जिस बोल में पुडिंग सेट करना है उसे आप तेल से कोट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि कांच का ही बोल आपको लेना है, आप चाहिए तो स्टील का कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो। मैंने अच्छे से चारों तरफ से तेल से इसे ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मिक्सचर। इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देना है, और ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दें ओवरनाइट सेट होने के लिए। ये मेरा पुडिंग अच्छी तरह से सेट हो गया है, इसे मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के लिए एक प्लेट को हम इस बोल के ऊपर रखेंगे और फिर आप अपने बोल को प्लेट के साथ उल्टा कर दें। देखिए ये एक ही बार में निकल आया है। अगर आपकी पुडिंग नहीं निकल रही है तो ऊपर से आप बोल को थोड़ा सा टैप करिए। पुडिंग एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं ये जिगल भी हो रहा है। अब हम ऊपर से कोको पाउडर को डस्ट करेंगे। मैंने एक छन्नी के ऊपर कोको पाउडर डाल दिया है और अच्छी तरह से पूरे पुडिंग के ऊपर हम इसे स्प्रेड कर देंगे। तो तैयार है हमारी कॉफ़ी पुडिंग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।